जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्यवरदे देवी नील पर्तवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमी दर्शन देव्यम सर्व कामार्थ सिद्धयेत। गोद भराई की रस्म क्यों की जाती है, यह भी एक मातृत्व भाव है। इस भाव में जिस मां के गर्भ में बच्चे उत्पन्न होते हैं या गर्भ में बच्चा आ जाता है, उसके बाद यह गोद भराई की रस्म की जाती है। यह 16 संस्कार जो हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार ये भी है। और यह इसलिए किया जाता है कि मां के गर्भ में यदि किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, अब दोष किस प्रकार का हो सकता है, कि मां के द्वारा विवाह के पहले यदि किसी पुरुष के साथ में सहवास किया गया हो, या गर्भ में किसी प्रकार की कोई बीमारी दुखी हो, या अन्य ऐसे कारण जो अदृश्य रूप से होते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। सनातन धर्म में गर्भावस्था के 7वें माह में गोद भराई की रस्म होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना एक गर्भवती स्त्री के लिए बहुत खतरनाक होता है। बच्चे गिरने की संभावना होती है, इसलिए भी उसकी सुरक्षा के लिए भी यह पूजा की जाती है। यह एक हमारी परंपरा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। इस पूजा से एक तो गर्भ दोष समाप्त होता है और आने वाले बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुल देवी कुल देवता इष्ट देवता से प्रार्थना की जाती है कि वह स्वस्थ रहे, विकलांग उत्पन्न न हो। हम देखते हैं बहुत से बच्चे विकलांग उत्पन्न होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग उत्पन्न होते हैं। उनके पीछे का कारण ही यही होता है कि वह गोद भराई की रस्म नहीं करते हैं। इस पूजा में मंत्रोच्चारण द्वारा हवन किया जाता है, जिसमें कुल देवी कुल देवता का आह्वान किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि आने वाले बच्चे की वह रक्षा करें। यह प्रार्थना की जाती है। परिवार के सभी सदस्य बड़े बुजुर्ग उस गर्भिणी स्त्री को उसके होने वाले बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रस्म में गर्भवती स्त्री की गोद में सूखे मेवे डाले जाते हैं, जो बाद में उसको खाने के लिए दिए जाते हैं और वो पौष्टिक भी होते हैं। सूखे मेवे खाने से उनका शरीर बलिष्ठ होता है और शरीर में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है, जो बच्चे पैदा करने में बहुत सहायक होती है। इसीलिए भी गोद भराई की रस्म की जाती है। अब 3 वजह यहां पे बताई गई है। पहली वजह कि स्त्री के गर्भ में यदि किसी प्रकार का दोष हो तो वो दोष को समाप्त किया जाता है।
दूसरा बच्चे की रक्षा के लिए कुल देवी कुल देवता इष्ट देवता से प्रार्थना की जाती है, और तीसरा कि उसको सूखे मेवे गिफ्ट में दिए जाते हैं ताकि उसका शरीर में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाए और वो बच्चा आसानी से पैदा कर सके। परंतु आजकल हम देख रहे हैं गोद भराई की रस्म नहीं होती है, और जब गोद भराई की रस्म नहीं करने लगे क्योंकि शादी होने के बाद में पति पत्नी अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, शादी होने के बाद जैसे ही स्त्री घर में आती है उसके मन में एक ही लालसा एक ही भावना उत्पन्न होती है कि उसको माता पिता की सेवा नहीं करना, सास ससुर की सेवा नहीं करना है, और वह अपने सास ससुर से लड़ झगड़ के घर से दूर हो जाती है, और उसी का परिणाम यह होता है कि गोद भराई की रस्म नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, दोनों उस स्थान के जो नेटिव प्लेस होता है उससे दूर रहते हैं और वहीं पर ही वो बच्चे को जन्म देते हैं। सर्विस करने की वजह से भी उनकी गोद भराई की रस्म नहीं होती है, और इसी दोष की वजह से आजकल हम देख रहे हैं कि मानसिक विकलांग बच्चे अधिक पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए उनके कुल देवता उनकी कुल देवी और उनके इष्ट देवता नहीं होते हैं। और आजकल के पुरुष और स्त्री दोनों को हम देख रहे हैं जो पति पत्नी बन जाते हैं तो वो न तो अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं और न ही कुल देवता की पूजा करते हैं, क्यों कि वो अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, और जब अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो न तो कुल देवता की पूजा होती है और न कुल देवी की पूजा होती है, और इस प्रकार से कई बार स्त्री के एक एक दो दो गर्भ गिर जाता है क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, चिंतन करें मनन करें कि यह भारतीय परंपरा हमारी दम तोड़ रही है, इस परंपरा को जीवित रखिए और अपने कुल के भविष्य की रक्षा करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देही मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते।